हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू शॉपिंग व्लॉग। और आज फिर जा रहे हैं हम लोग चांदनी चौक, और आज चांदनी चौक से हम लोग दुल्हन का लहंगा परचेज करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो दुल्हन का लहंगा जाता है वो लड़के वालों की तरफ से जाता है। हर किसी के यहाँ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो हमारे यहाँ जो लहंगा जाएगा वो हम देंगे जो दुल्हन शादी पर पहनेंगी, तो उसी को लेने हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक। और आज जा रही हूँ मैं और नीटू, और साथ में जा रही है पूजा। ये हमारे घर की बड़ी रानी है। छोटी रानी से मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी कि हमारे घर की छोटी रानी कौन है। और साथ में जा रहे हैं पापा, क्योंकि आज लहंगे पे होंगे पैसे खर्च। और हम आपको दिखाएंगे कि चांदनी चौक में हम लहंगा कहाँ से ले रहे हैं, कैसा लहंगा ले रहे हैं। जिस शॉप से हम लेंगे वो शॉप मैं आपको बताऊंगी। और आज हम लोग जल्दी निकल गए हैं, वैसे हमें अराउंड 8 o'clock निकलना था, पर निकलते निकलते लेट हो गया। फिर फाइनली हम लोग 9 o'clock निकले, अब 9:30 हुए हैं। अराउंड 10:30 तक हम लोग चांदनी चौक पहुंच जाएंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं चांदनी चौक में, और आपको दिखाते हैं कि किस किस टाइप के लहंगे और कौन सा लहंगा हम फाइनल करते हैं। अभी हुए हैं 10:25 और हम लोग चांदनी चौक पहुंच गए हैं। और अभी हम लोग नई सड़क तक पैदल ही जाएंगे। चांदनी चौक में इतना क्राउड है, 10:20 पे मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए कितना ज़्यादा रश है मॉर्निंग में ही। हमें लग रहा था कि मार्केट खाली होगी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, पर प्रॉपर रश है अभी भी। हम लोग आए हैं अरुण वस्त्र भंडार पे, और आप देखिए अभी 10:30 हुए हैं, और यहाँ देखिए आप अभी से लाइन लग गई, ये देखिए। और हम लोगों का नंबर है यहाँ, इतना लाइन ऑलरेडी यहाँ लगी हुई है। और ये नीटू खड़ी है, और इसके पीछे मैं खड़ी हुई हूँ। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोगों को 10 to 15 minutes लगेगा। और आप देखिए अभी क्या टाइम हुआ है, ये देखिए। हम लोगों ने लहंगा परचेज कर लिया, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि लहंगा कैसा है। अभी लहंगा वहाँ पे ही है, क्योंकि वो उसका फिटिंग और स्टिच करा के देंगे। और कुछ साड़ियाँ और लिए हमने, एक बैग मेरे पास है, और कहाँ गई नीटू, एक उसके पास है। और अभी हम थोड़ा और शॉपिंग करेंगे, देखेंगे कुछ देख के याद आ जाएगा कि और क्या क्या लेना है। ये हम लोग ले रहे हैं साड़ी पैकिंग करने की, जो पैकिंग पॉलीथीन क्या बोलते हैं इनको, पैकिंग पेपर लदे। और ये 100 rupees की 10 आती है, भैया लो। ये सारी जो मेहंदी की ज्वेलरी आती है, ये हमने सब सदर से ली थी, मैं आपको दिखाऊंगी। वो सदर से जो जो सामान लिया था वो आप सबके साथ मैंने शेयर नहीं किया, और वो शेयर करूंगी तब दिखाऊंगी कि सदर के और चांदनी चौक के रेट में कितना डिफरेंस ही जाएगी। यहाँ पे ये ज्वेलरी है 300 rupees, और ये आई थिंक 250 की है। ये वाले लिए पापा हमने, ये चीनू को भी भेज दू, उसके लिए हमने येलो लिया था। ये वाले लिए हमने हल्दी पे, ये हल्दी मेहंदी पे ना ज्वेलरी पहनने के लिए।
150 ईच है ना ये, 300 रुपीज हो गए। दे दो, हाँ इसी में रख दो भैया। और क्या लिया? और तो पापा कुछ नहीं लिया, अभी तो ये लिया हमने, लड़के की, भाई की हमारे। अच्छा भाई की, हाँ। 180 का पैकेट है, 12 पीस। 150 के 12 पीस। 120 के 12 है। 120 के 12 है। जो पापा आते नहीं गेस्ट लेडीज को, उनको पहनाने के लिए हाथ में। ये कितने के बताया आपने? 120 के। अच्छा इसमें ये घुंघरू है, इसकी वजह से कॉस्टली है। ये अलग चीज है। आगे प्लेन घुंघरू। इसका एक मुझे दिखाना खुला हुआ पीस, आप किस टाइप का है? टाइप से आएगा ये। अच्छा इसका इधर का ना ये है नहीं, इसमें धागा दोनों तरफ से बन जाएगा। बन जाएगा, ये सैंपल का पीस है, ऐसे टांग रखा है इसमें। ये है पूजा 180 के। कितने बताए? 180 के आपने? 12 पीस। सदर में 100 के आ जाएंगे, ये भी सदर में जाना ही है। सदर का भी मुझे तो इतना ही रेट लगता है। हाथ पे लगा के देख, ये तो मेरे हाथ में भी आ गया। ये देख ऐसे आएगा ये इस टाइप से। अच्छे है ना? हाँ महंगे तो दे रहे हैं भैया, थोड़े से ठीक लगाओ। फिक्स है सदर बाजार की आइटम नहीं है भाव जी, ये सदर बाजार की अलग आइटम का नहीं। फिक्स ही लगाएंगे आप इनका, कहना नहीं पड़ेगा। रेट ऐसे रख ले लूं क्या? दे दीजिए, एक ही ले लूं, 12 पीस है। 200 रुपीज दे दो ना पहले, तब दे देना पापा। अभी हम लोग खाएंगे चांदनी चौक की कचौड़ी, और मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग यहाँ कचौड़ी कहाँ से खाते हैं। फिर हम लोग कचौड़ी लेते हैं जेबी कचौड़ी वाला, ये आप देखिए, और बहुत अच्छी कचौड़ी मिलती है यहाँ पे। मैं चांदनी चौक में आऊँ और मैं ये ना खाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। कचौड़ियाँ और क्या खाएगी? जलेबी। बहुत ही स्पाइसी है, टेस्टी भी तो बहुत है। आपको कैसी लगी पापा कचौड़ी? सब्जी बहुत ही स्पाइसी होती है इसकी। हम लोग पार्किंग में आ गए हैं, और चांदनी चौक में आज ज़्यादा शॉपिंग नहीं की हम लोगों ने, सिर्फ कुछ साड़ियाँ ली, नहीं अभी चेक नहीं किया, और लहंगा लिया, और एक दो और छोटे मोटे आइटम लिए, कुछ ज्वेलरी मेहंदी के लिए, हल्दी के लिए हम लोगों ने पहले ही सदर से ले ली थी, और कुछ पैकिंग के लिए लिया, साड़ी वगैरह बस इतना ही लिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गांधीनगर। गांधीनगर जा रहे हैं। गांधीनगर से जो लास्ट व्लॉग में हमने शॉपिंग की थी, तो वो मैंने आपको बताया था कि घर पे हम ओपिनियन लेंगे कि सबको कैसे लगे वो कपड़े, तो वो कपड़े बहुत अच्छे लगे। और आज हम हल्दी और मेहंदी के लिए अपने आउटफिट लेंगे गांधीनगर से, तो चांदनी चौक के पास ही पड़ता है गांधीनगर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांधीनगर, सो आपसे गांधीनगर में मिलते हैं। पहुंच गए हैं दोबारा से शांति मोहल्ला। यार आज बहुत भीड़ है यहाँ पे भी, बहुत ज़्यादा। देखो दिखाती हूँ मैं, हालत देखो मार्केट की, फुल ऑन जाम चारों तरफ से। बाप रे, चांदनी चौक गांधीनगर, सैटरडे कभी मत आना आप लोग, स्पेशली सेकंड और फोर्थ सैटरडे। हम लोग अभी फंस गए हैं, और पैदल भी निकलने का रास्ता नहीं था, मार्केट में इतना जाम था, और अभी हम पैदल पैदल पता नहीं कहाँ कहाँ, पूरा मोहल्ले में अंदर अंदर देख रहे हो, पतली पतली गलियों में हम घूम रहे हैं, और अभी हम मेन मार्केट में जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये देखो इतनी पतली पतली गली है, मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, ये आप देखो। और कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि मेन रोड पर हम लोग कितनी देर में निकलेंगे, अंदर अंदर पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं हम लोग। चलो अभी ढूंढते हैं, आई थिंक ये शायद मेन रोड पे आ गए हम लोग, जैसे जो रास्ता है। हाँ थैंक गॉड मेन रोड पे आ गए हम लोग, काफ़ी देर से हम लोग अंदर अंदर घूम रहे थे। और ये आ गई मेन मार्केट। ओके
चलो भाई चलो। नो 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 उसमें हल्का सा जोर जट में से बनता है तो अच्छी फ्रील पड़ जाती है। हाँ तो पूरा ही थान ले लेंगे हम लोग। सही है ये मेहंदी के लिए है ना। कैसा लगा आपको ये? हाँ बट इस वाले में से ना हम लोगों को स्कर्ट बनवानी है और एक फंक्शन के लिए बनवाना है सरारा। मेहंदी के लिए ये ले लें या इससे लाइट कलर ले लें? तो मेहंदी के लिए आई थिंक यही बेटर है, यही ले लेते हैं है ना। ये वाला ले लेते हैं पूरा। हम लोगों ने मेहंदी के लिए तो ले लिया है ग्रीन कलर और अभी हम लोगों को येलो कलर देखना है क्योंकि येलो कलर में हम लोग शरारा बनवाना सोच रहे हैं जो जॉर्जेट के कपड़े में बहुत ही अच्छा उसका फिटिंग आएगा। तो अभी चलिए देखते हैं कुछ येलो में भी मिलता है क्या यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं सामने BDS कलेक्शन पे और अब यहाँ से कुछ फैब्रिक देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे कैसी फैब्रिक मिलती है। तो चलिए चलते हैं BDS कलेक्शन। गांधीनगर पे भी हम लोगों की शॉपिंग हो गई है। हम लोग आज इसलिए भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मेरा जो नेफ्यू है रेबान उसकी तबीयत ख़राब है, उसको फीवर हो गया, उसको घर पे छोड़ के आए थे और बस इसलिए भी ना हम लोग जल्दी निकल रहे हैं कि उसको फीवर है, नीटू उसको जाके देखेगी। तो चलिए निकलते हैं।